हेलो एवरीवन, मैं उत्कर्ष नाथ गर्ग आप सभी का स्वागत करता हूँ साईं बाबा इन्फोटेक चैनल में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया है, रिफ्लेक्शन हमको पढ़ना है। तो ये फेनोमेना है क्या, कई बार जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके डायरेक्शन में चेंज आता है। इस फेनोमेना को हम रिफ्लेक्शन के तौर पर पहचानते हैं। अगर मैं बोलूं कि ये दो डिफरेंट मीडियम है, मीडियम नंबर वन मीडियम नंबर टू, और लाइट रे इस डायरेक्शन में जा रही थी, अब वो डायरेक्शन अपना बदल दी है, तो ये जो फेनोमेना यहाँ पे हो रहा है ये क्या कहलाता है आपका, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट वाइल चेंजिंग द मीडियम इज नोन एज रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। ओके, अब जरा हम देख लेते हैं किस मीडियम में किस तरीके का रिफ्रेक्शन होता है। मीडियम्स को हमने दो पार्ट में क्लासीफाई करके रखा है, एक रेयरर मीडियम होता है और दूसरा आपका डेंसर मीडियम होता है। पहला होता है रेयरर मीडियम, दूसरा होता है डेंसर मीडियम। व्हाट डू वी मीन बाय रेयरर मीडियम एंड व्हाट डू वी मीन बाय डेंसर मीडियम, द क्वेश्चन अराइजेस दैट। सॉरी, रेयरर मीडियम का मतलब होता है दोस्तों, रेयरर या फिर डेंसर मीडियम आपस में कोरिलेटेड है, मतलब जिस मीडियम की भी घनत्व ज्यादा होगी, दो मीडियम का हम कंसिडरेशन रखते हैं, जिस मीडियम का भी घनत्व ज्यादा होगा उसको हम डेंसर के तौर पे लेंगे और जिस मीडियम का भी घनत्व कम होगा उसको हम रेयरर के तौर पे कंसीडर करेंगे। तो रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम दो तरीके के मीडियम है। अब हम देख लेते हैं कि पहला मीडियम मान लो आपका रेयरर है जहां से लाइट रे आ रही है, दूसरा आपका डेंसर है जहां पे लाइट रे जाएगी, तब उस केस में क्या होगा जरा हम कंसीडर कर लेते हैं। ये लाइट रे आ रही है, ठीक है, ये लाइट रे आ रही है, ओके, आपका ये क्या कहलाता है, नॉर्मल कहलाता है, ये कहलाता है नॉर्मल। ये क्या है आपकी इंसिडेंट रे है, क्या है, इंसिडेंट रे, ओके, ये आपका नॉर्मल है, ये आपका कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जब भी कभी रेयरर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा कि ये जो लाइट रे है जाना इसको इस पाथ में चाहिए था, लेकिन ये बेंड हो जाएगी किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। तो क्या लिख देंगे हम, ये क्या प्रॉपर्टी है, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, जब भी रेयरर से डेंसर बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। दूसरा केस कौन सा है, जब डेंसर से रेयरर जाएंगे हम, तो जब भी कभी ये डेंसर से रेयरर जाती है लाइट रे तो क्या होता है, जाना इसको इस तरफ चाहिए, ये गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये क्या हो गया, गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये चीज हमको ध्यान रखना है, गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो रेयरर से डेंसर बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर से रेयरर गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो फेनोमेना और दो डिफरेंट केसेस में किस तरीके का बिहेवियर लाइट रे का रहता है। नॉर्मल आपको क्लियर हो गया, क्या हो गया, ये वाला पार्ट आपका नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे, ओके। यहाँ पे भी लॉ है जिसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या कहते हैं दोस्तों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जरा हम देख लेते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, सबसे पहला लॉ होता है वही जो रिफ्लेक्शन का दूसरा लॉ है, वो रिफ्लेक्शन का पहला लॉ है, क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन, तीनों सेम प्लेन में लाए करेंगे, ये सबसे पहला लॉ है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। दूसरा लॉ क्या होता है दोस्तों आपका, कि इंसिडेंट रे, रिफ्रेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन। दूसरा लॉ होता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, हमेशा ये कांस्टेंट होगा, कौन सा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ आर हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ओके। तो इंसिडेंट एंगल, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ रिफ्रेक्टेड एंगल इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, क्या कहलाता है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। ये जो सेकेंड लॉ है इसको ही हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ, क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ, इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू, ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कहलाता है जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, अगर स्नेल्स लॉ पूछे तो आप बता दीजिएगा, ओके। अब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। तो कभी भी एक लाइट रे है, ठीक है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किस पे, मीडियम पे तो डिपेंड करता है, कौन सा मीडियम है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मीडियम पे डिपेंड करेगा ही करेगा, साथ में किन पे डिपेंड करेगा, वेवलेंथ टेम्परेचर पे। तो अगर कोई ऐसी लाइट रे है जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो उसका रिफ्रेक्टिव, उस पर्टिकुलर लाइट रे के लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी वेवलेंथ। जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यही कारण है कि रेड के लिए वेवलेंथ जो आपका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो सबसे कम होगा उसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए, और वॉयलेट के लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सबसे हाईएस्ट होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर की मैं बात करता हूं तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमेशा घटता जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स घटता चला जाएगा, ठीक है। ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की बात हो गई। अब TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की मैं बात कर लेता हूँ। होप सो आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के बारे में। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको यहां से समझ में आएगा। देखिए, एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जब हम लाइट को लाते हैं, थोड़ा सा देखिएगा, बड़ा मजेदार टॉपिक है, दिल खुश हो जाएगा अगर इसको समझ लिया तो। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ हम जैसे ही लाते हैं तो क्या होता है, गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बोलो हाँ, ठीक है, गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जाना ऐसे चाहिए था, मुड़ गई। अब थोड़ा सा ये बताओ दोस्त कि मैंने क्या किया, इसको और बेंड किया इस लाइट रे को, तो ये क्या होगा, और गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, थोड़ा सा और दूर जाने लग जाएगा। तो ये क्या है, ये कैसे जाने लग गया कि अब एक डिग्री भी मैंने अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाया तो ये क्या होगा, ये रिफ्रेक्शन की जगह अगर उसी मीडियम से जाकर के कोई लाइट रे उसी मीडियम में वापस आ जाए तो उसे हम रिफ्रेक्शन बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्शन। तो ये क्या होने लग जाएगा, रिफ्लेक्शन की जगह रिफ्लेक्शन होने लग जाएगा। तो वो एंगल जिसमें आपका एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन 90 डिग्री हो जाए वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल। पहली चीज तो ये ध्यान रखिए, क्रिटिकल एंगल, ओके, ये क्रिटिकल एंगल आ गया। अब मैंने एक डिग्री और बढ़ाया, एक डिग्री इस क्रिटिकल एंगल को और बढ़ाया तो क्या होगा, ये यहां से आएगा और इस तरफ चला जाएगा। तो जिस मीडियम से आ रहा था उसी मीडियम से जा रहा है, यहां पे कोई भी मिरर नहीं लगा हुआ है, बिना मिरर के ये फेनोमेना हो रहा है। इसी को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम जादू भी कह सकते हैं, ये जादू हो गया है यहाँ पे, ये क्या कहला गया आपका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। होप सो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में क्या कहलाता है और क्रिटिकल एंगल क्या कहलाता है। ओके, इसी के बेसिस में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेसिस में आज की डेट में टेक्नोलॉजी के युग में सबसे महान चीज इसी फेनोमेना में काम करती है, जिसे हम कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। ऑप्टिकल फाइबर बिछा करके हम कैसी भी तार टेढ़ी मेढ़ी रहे उसके बीच से रेस पास करके हम आज की डेट में सिग्नल भेज रहे हैं। जियो के ऑप्टिकल फाइबर भी बिछे हुए हैं जिसके थ्रू काफी हाई स्पीड का इंटरनेट हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ऑप्टिकल फाइबर भी कुछ इसी फेनोमेना में काम करती है। दो लेयर की फाइबर होती है, इसमें दो लेयर होती है, तो ये जहां से भी लाइट रे चाहे जितना भी मुड़ी रहे ये हमेशा आपस में इंटरनल TIR करते करते टकराते हुए आगे बढ़ जाती है और हमको कम्युनिकेशन का फायदा पहुंचाती है। ओके, हाई स्पीड इंटरनेट का फायदा हमको इसी के थ्रू मिलता है। ऑप्टिकल फाइबर का और क्या यूज होता है, एंडोस्कोपी वगैरह में, जो आपके पेट में या फिर इंटरनल ऑर्गन्स को हमको देखना है, ऑब्जर्व करना है, तो हम ऑप्टिकल फाइबर ही डालते हैं शरीर के अंदर और चेक करते हैं कि वहां पे क्या ब्लॉकेज है या फिर क्या चीज वहां पे प्रॉब्लम है। ओके, ये ऑप्टिकल फाइबर के यूजेस है। अब जरा सा मैं बात कर लूं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के यूज। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपको कहां पे देखने को मिला है, कुछ फेनोमेना ऐसे जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के कारण है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना है। पहला क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ लाइट। क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ लाइट। एक्चुअली में एटमोसफेयर में डिफरेंट लेयर्स होते हैं, हर एक लेयर्स का डेंसिटी अलग होती है, तो लाइट आ रही है अपना पाथ बदली तो zigzag मोशन करती हुई, तो हमको क्या दिखेगी, चमकती हुई दिखेगी, ट्विंकल करती हुई दिखेगी। या फिर जो सिक्का हमको अपलिफ्टेड दिखता है वो किसके कारण दिखता है, रिफ्रेक्शन के कारण। अगर मैं बात करूं कि कोई स्टिक हमने रखी वो थोड़ी सी उठी हुई दिखती है, किसके कारण दिखती है, रिफ्रेक्शन के कारण दिखती है। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अब TIR का सबसे इंपॉर्टेंट काम, जो एक मिराज इन डेजर्ट का कॉन्सेप्ट, एक रेगिस्तान में कोई व्यक्ति घूम रहा है उसको क्या दिखता है, जनरली किसी पेड़ के बगल में उसको दिखता है पेड़ का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन टाइप का दिखता है, वो सोचता है वहां पे पानी भरा है क्योंकि पानी में रिफ्लेक्शन दिखता है, वो वहां पे जाता है मर जाता है, मृग तृष्णा का कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं। तो ये एक्चुअली में है क्या, वो किसके कारण है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। किसके कारण है दोस्तों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंपॉर्टेंट चीज क्या है,
ये मीडियम डेंसर होना चाहिए, ये मीडियम रेयर होना चाहिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मीडियम डेंसर, ये मीडियम रेयर। फर्स्ट मीडियम जिस मीडियम से आ रही है वो डेंसर, जिस मीडियम में जा रही है वो रेयर। तो रेगिस्तान में क्या होता है, नीचे क्या है आपका हॉट एयर है, हॉट एयर कैसी होगी रेयर होगी, और ऊपर क्या है उसके कंपेरिजन में डेंसर एयर है, रेत से चिपकी हुई एयर गर्म होगी तो रेयर हो गई, ऊपर डेंसर एयर हो गई, डेंसर रेयर गया तो ये हमारी नजर पड़ी। सामने पेड़ है, पेड़ क्या हुआ, पेड़ हमको यहाँ पे इसकी प्रतिबंब ये नजर पड़ी, ये लाइट रे आकर के हमको ये पेड़ यहाँ पे दिखने लग गया, इसके कारण हमको लगेगा यहाँ पे पानी भरा हुआ है। तो ये किसका कॉन्सेप्ट हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। या फिर मैं बोलूं डायमंड की जो ब्रिलियंसी होती है, जो चमक होती है, वो किसके कारण होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया है, होप सो आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और अगर कोई भी डाउट होती है आप कमेंट सेक्शन में जाकर के बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, साईं बाबा इंफोटेक के साथ जुड़े रहिए, जल्द मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। थैंक्स अ लॉट।